नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है। इस समय में सिलीगुड़ी मार्शल आर्ट एसोसिएशन या सूर्यसेन पार्क के नज़दीक है। आप महानंदा ब्रिज से उतर करके जब सूर्यसेन पार्क की तरफ आप आते हैं तो ऐसे में आपका राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना तरफ पड़ेगा। यहाँ पे एम क्यू कुशिन प्रशिक्षक शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर एम क्यू कुशिन प्रशिक्षण शिक्षक शिविर लगा हुआ है जो 2 दिवसीय है। यहाँ पर एक छत के नीचे, आपको हम बता दें, एक छत के नीचे MMA, किक बॉक्सिंग, मोय थाई, कराटे और भी तमाम इस तरह के प्रशिक्षण कला कौशल से आपको आत्मरक्षा और युद्ध करने की कला कौशल सिखाया जाता है। आज के समय में, समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे छोटे छोटे माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चों को हम अगर यह कला कौशल सिखाते हैं तो उनकी आत्मविश्वास बढ़ती है और यह शिक्षा के भी केंद्र में एक क्रांति लाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शारीरिक परिश्रम जो होता है। इसके साथ आपको बता दें, जैसे कि हमने वार्तालाप किया ऑफलाइन तो हमें पता चला इसे यह संस्था जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, ऑथेंटिक है, यह कहना है यहाँ के संस्थापक का। तो आइए जुड़िए और देख करके चीज़ों को स्पष्ट समझ के अपने बच्चों को इस प्रशिक्षण केंद्र में भेज करके उन्हें प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाइए। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कॉन्फिडेंस हो कि मैं कोई भी सिचुएशन हो उससे मैं निकल के आ सकता हूँ, ये डेवलप ज़रूर करवाता है। उसके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल से आगे जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो, फिर उसके साथ रिलेटेड है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जो हम लोग सिखाते हैं बच्चे कॉन्फिडेंटली फेस कर सके, बाकी वो कैसे फेस करेगा वो मेरे को ही पता नहीं, क्योंकि बहुत जन बोलता है कि इधर आओ हम ऐसे कुछ सिखा देंगे तुम सब कुछ हैंडल कर दोगे, पर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। बट हम लोग उसको दिखा देते कि आप क्या कर सकते हो, क्या उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस उसमें डाल देते कि हाँ अगर एक लड़का आ रहा है आपकी तरफ आप उसको कैसे रोक सकते हो। रोकना उसका काम, वो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा होगा, यही मेरे को बोलना है। और भी मैं बोलूँगा जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे, जो माता पिता देख रहे हैं, ये बच्चे को मार्शल आर्ट्स में भेजिए, कराटे में भेजिए। ये कराटे ऐसा कि एक बेस जो होता ना, जो आप सभी को बता दें, जैसे कि श्यामंतक गांगुली जूनियर एशियाई चैंपियन है, ब्राज़ील में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2रा स्थान और ओपन विश्व कप हंगरी में 3रा स्थान प्राप्त किए हैं। वह 5 बार राष्ट्रीय पूर्ण संपर्क कराटे चैंपियन है और वह फिट इंडिया एम्बेसडर भी हैं। ये हम लोगों का मेन बॉडी है वर्ल्ड कराटे काउंसिल एम क्योकुशिन, जिसका अभी हेडक्वार्टर इंडिया में है। हम लोग से 7-8 कंट्री जुड़ के अभी काम कर रहा है, और ये क्योकुशिन का इंडिया जो इंडिया का मेन बॉडी है जिससे सब कोई रिलेटेड है। दोनों बॉडी से इन लोग ऑफिशियली ऑथेंटिकली एफिलिएटेड है इधर क्योकुशिन चलाने के लिए, क्योकुशिन सिखाने के लिए। ये मिस्टर शुभजीत मुखर्जी है, ये भी ब्लैक बेल्ट है, हांसी शिवाजी गांगुली का डायरेक्ट स्टूडेंट है, अभी इधर सिलीगुड़ी में पोस्टिंग में आए हैं कि अपना कुछ एक्सपीरियंस फुल कॉन्टैक्ट कराटे के बारे में शेयर करना है। अंदर से वो तजुर्बा, वो जो इंसान का जो ताकत वो दिखाई पड़ता है, वो देखने से ही हमको पता चलता है। यही क्योकुशिन कराटे का मतलब खासियत है। और जैसे आपने सेंसेई को पूछा था कि एग्जामिनेशन के बारे में, मैं तो लेबर डिपार्टमेंट में हूँ, मैं एक साइंटिफिक स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप गार्जियन लोग इधर देख रहे हैं वो उसको मालूम चलेगा। कोई भी स्किल, दुनिया का कोई भी स्किल आप ले लीजिए, उस स्किल में मास्टरी करने के लिए 100 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस का ज़रूरत है। आप अगर 100 आवर्स कोई भी स्किल को प्रैक्टिस करेंगे तो आप 95% ऑफ दूसरा प्रैक्टिशनर से आप बेहतर रहेंगे। तो 100 आवर्स एक साल में अगर 365 डेज होता है, हर दिन 18 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस, आप 18 मिनट्स को छोड़ दीजिए 15 मिनट,
मैं ये मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी इंसान अगर 15 मिनट क्योकुशिन कराटे या कोई भी मार्शल आर्ट को हर दिन अपना पूरा, उसको रोकने वाला कोई है यही मेरा कहना है। थैंक यू फॉर योर। तो हम लोग फॉर्मूला सिखा देते कि ऐसे सिचुएशन होगा आप ऐसे कर सकते हो। अभी वो जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2-3 जन भी ये बच्चे लोग कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बोलेंगे ठीक है मैं फेस करूँगा, बाकी जो होगा वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है ऊपर वाले के। बट ये हम ज़रूर कहते जो भी मार्शल आर्ट सीखता है उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कोई भी सिचुएशन हो उससे मैं निकल के आ सकता हूँ, ये डेवलप ज़रूर कराता है। उसके तो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल से आगे जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो, फिर उसके साथ रिलेटेड है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जो हम लोग सिखाते हैं कि बच्चे कॉन्फिडेंटली फेस कर सके, बाकी वो कैसे फेस करेगा मेरे कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत जन बोलता है कि इधर आओ हम ऐसे कुछ सिखा देंगे तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, बट हम लोग उसको दिखा देते कि आप क्या कर सकते हो, क्या उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस उसमें डाल देते कि हाँ अगर एक लड़का आ रहा है आपके तरफ आप उसको कैसे रोक सकते हो। रोकना उसका काम, वो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा होगा, यही मेरे को बोलना है। और भी मैं बोलूँगा जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे जो माता पिता देख रहे हैं, ये बच्चे को मार्शल आर्ट्स में भेजिए, कराटे में भेजिए। ये कराटे ऐसा कि एक बेस जो होता ना, जो रूट्स पैर का रूट्स, वो बेस ऐसे रेडी कर देगा ना, कहीं भी जाएगा वो राज करेगा। धन्यवाद। एसोसिएशन पार्क नियर बाय एसोसिएशन पार्क, एक तो इसका मेन गेट है, मेन गेट से जो ब्रिज की तरफ जा रहे हैं हम, तो जस्ट फर्स्ट टर्निंग जो आ रहा है फर्स्ट टर्निंग वहाँ पर ही है। जैसे पाल ब्रदर्स बोले तो सभी पता चल जाएगा, यहाँ पर जिसमें कुरकुरे और आइसक्रीम का दुकान है यहाँ पर, इसके ऑपोजिट में है। अब लोकेशन भी जा सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च करते हैं सिलीगुड़ी बेस्ट मार्शल क्लास, अब लोग को सब दिखाएंगे। और फेसबुक में अगर जाएंगे तो फेसबुक में सिलीगुड़ी मार्शल आर्ट बोल के है, और फेसबुक पे जाएंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो मैं चंचल सिंह को बोलने से मैं मिल जाऊँगा।